डियर स्टूडेंट गुड मॉर्निंग आई एम जितेंद्र कुमार तिवारी योर केमिस्ट्री टीचर बच्चों प्रीवियस डे हम लोगों ने टॉपिक पे डिस्कस किया था बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल पे एज मैंसन अर्लियर आर आ फेस क्यूबिक यूनिट सेल कंटेन्स फोर एटम्स द वैल्यूम ऑक्यूपाइड बाई फोर एटम्स इक्वल फोर इंटू फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब सॉल्व कर लेंगे इक्वल का सिक्सटीन पाई आर क्यूब बाई थ्री एक फर्स्ट हो जाएगा ए सी इक्वल फोर आर क्योंकि हम जानते हैं इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे इन द राइट एंगल ट्राई एंगल ए बी सी ए सी कोलेंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी सॉल्व कर लेंगे वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा ए सी कोलेंडर उड ए स्क्वायर प्लस ए इक्वल का अंडर रूट टू एक्वेशन थर्ड फ्राम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड वी है अंडर रूट टू ए इक्वल फोर आर अंडर रूट टू ए सी रूट टू ए सी इक्वल फोर आर तो अंडर रूट टू एक्वल फोर आर ए इक्वल फोर आर टू क्वेश्चन फोर्थ द वैल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इक्वल ए क्यूब इक्वल फोर आर बाई रूट टू का होल क्यूब इक्वल का सिक्सटी फोर आर क्यूब बाई टू रूट टू पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल वैल्यूम ऑक्युपाइड बाई एटम्स रेशियो वैल्यूम ऑफ यूनिट सेल इक्वल का सिक्सटीन बाई थ्री पाई आर क्यूब सिक्सटी फोर आर क्यूब बाई टू रूट टू इक्वल का रूट टू पाई बाई सिक्स पाई की वैल्यू थ्री पॉइंट वन फोर रूट टू की वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी जीरो पॉइंट सेवन फोर द परसेंटेज ऑफ द ऑक्यूपाइड स्पेस इक्व ट्वेंटी फोर परसेंट कैलकुलेसन ऑफ डेंसिटी ऑफ अ क्रिस्टल द डेंसिटी ऑफ अ क्रिस्टल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन इट्स यूनिट सेल हायर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल ग्रेटर इज द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल मीन्स डेंसिटी ऑफ अ क्रिस्टल क्रिस्टल की डेंसिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल उसके कॉन्स्ट्यूंट पार्टिकल के नंबर पे प्रेजेंट जितने प्रेजेंट होते हैं इन एट्स यूनिट सेल में हायर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने भी नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हायर होंगे यूनिट सेल में ग्रेटर इज द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल उस क्रिस्टल की डेंसिटी उतनी ही अधिक होगी डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम द एट द लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इक्वल ए नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट पर यूनिट सेल इक्वल जेड एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट इक्वल एम वैल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इक्वल ए क्यूब डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल रो डैश इक्वल रो कहिए या डी आप कह सकते हैं इक्वल मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वैल्यूम ऑफ यूनिट सेल रो डैश इक्वल जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए रो डैश क्या है डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल है जेड क्या है आपको बताया गया नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट पर यूनिट सेल है एम क्या है एटॉमिक मास ऑफ़ द एलिमेंट है ए क्यूब ए क्या है द एट द लेंथ ऑफ द यूनिट सेल है तो ए है तो ए क्यूब क्योंकि हम जानते हैं ये डिपेंड हमारा किस पे करता है वैल्यूम पे इंटू एनो एन ए क्या है अवगा नंबर है डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्यूबिक्रिस्टल्स ऑफ आयनिक कंपाउंड इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड जेड रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स इन अ सिंगल यूनिट सेल एंड एम रिप्रेजेंट द फार्मूला मास रो इक्वल जेड इंटू एम अपान ए क्यूब इंटू एन ए पैकिंग इन मेटालिक क्रिस्टल्स द कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स गेट पैक्ड एज क्लोजली एज पॉसिबल लिविंग अ मिनिमम इम्पिटी स्पेस द पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स इन आल टाइप ऑफ क्रिस्टल्स इज नॉट द सेम दिस इज़ बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स आर डिफरेंट क्रिस्टल में पॉस डिफरेंट सेप एंड साइज मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल होते गेट पैक्ड होते एज क्लोजली एज पॉसिबल लिविंग अ मिनिमम इम्पिटी स्पेस में द पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट जो पैकिंग के कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स होते हैं इन आल टाइप जो उनके प्रकार होते टाइप्स होते, होते हैं क्रिस्टल के इज नॉट द सेम वो सेम नहीं होते डिफरेंस होते हैं दिस इज बिकॉज द कॉन्सिटेंट पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट क्रिस्टल्स मेरे पास इज डिफरेंट शेप एंड साइज पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिटेंट पार्टिकल्स इन मेटल्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इफिशियंट पैकिंग लेटेस्ट प्रिश यू दैट प्रिज दैट द कॉन्स्टिटेंट पार्टिकल्स आर हार्ड स्पेयर ऑफ इक्वल साइज